नमस्ते, मैं अंबरीश और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका स्टार्टअप आइडिया है और अगर आप किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अप्रोच करना आपको पड़ेगा, या किस तरीके से अगर आप अप्रोच करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा अपने स्टार्टअप आइडिया या बिजनेस आइडिया को प्रमोट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए और फंडिंग रेज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, जैसे आप जानते हैं कि स्टार्टअप यूगीज में हम आपको मदद करते हैं स्टार्टअप के बारे में, बिजनेस के बारे में जानने के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से शुरू कर पाए और ग्रो कर पाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं करके। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको समझना पड़ेगा, कोई भी चीज़ जब आप करते हैं ना, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना क्यों खाते हैं? भूख लगी हुई है या आपको आइसक्रीम खाना है या कोई भी कारण होता है जिसके कारण कोई भी आप काम करते हैं। सो व्हाई डू यू वांट टू रीच योर इन्वेस्टर्स? क्योंकि अगर आपका ये आपका जो पर्पस है, आपका जो फोकस है, वो अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप मतलब रैंडमली इधर उधर करोगे तो कोई फायदा नहीं है। सो यू फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डू यू नीड इन्वेस्टर्स, व्हाई डू यू वांट टू रीच एन इन्वेस्टर। क्या कारण हो सकता है कि आपको कैपिटल रेज करना है? क्या आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं किसी इन्वेस्टर को, किसी प्राइवेट इक्विटी को? क्या अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपका बिजनेस मोटा मोटी चल रहा है बट उसको स्केल अप करने के लिए कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए जो आपको बैंक नहीं देगा। सो द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज गेटिंग एन इन्वेस्टर, टेकिंग सम मनी फ्रॉम देम, या आप अपना नेटवर्क जो है वो ग्रो करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मैं आपको कहूँगा कि इसका नोट ले ले तो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है, व्हाई डू यू वांट टू रीच आउट टू देम, राइट? एंड नेक्स्ट हो जाता है कि आपका पर्पस अभी क्लियर हो गया, फिर आपको अभी यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, गर्लफ्रेंड तो आपका किसी को भी तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, आपका स्पेसिफिक पर्पस होना पड़ेगा जिसका दिमाग ठंडा रहता है, जो वेल बिहेव्ड है, जो संस्कारी है। उसी तरीके से आपको अपना जो इन्वेस्टर है ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टर। जैसे तैसे से तो पैसा लोगे तो फिर फंस जाओगे। अगर आप हेल्थ केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और अगर आप किसी डीप टेक या किसी टेक बैकग्राउंड के इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं तो वो पैसा आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी इंडस्ट्री को समझता ही नहीं है। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर डू यू नीड। यहाँ पे ये जैसे पॉइंटर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल है। अगर आप इसको मिस आउट करते हैं तो फिर आपके चांसेस ऑफ गेटिंग ए रिस्पॉन्स फ्रॉम ए इन्वेस्टर विल बी वेरी वेरी लो। सबसे पहला चीज है व्हाई वुड दे इन्वेस्ट इन यू, क्या कारण है, आप में क्या है, आप कौन से 30 मार्क का हो कि आप में कोई इन्वेस्ट करेगा, क्यों आप में इन्वेस्ट करेगा, क्या रीजन हो सकता है? कि आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, कि आप किस डोमेन में आप नया कुछ काम कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ही वाइटल हो जाता है। आप अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ तो मेरा आइडिया भी बहुत अच्छा है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, यू हैव टू जस्टिफाई वॉट यू आर डूइंग। नेक्स्ट थिंग इज आप कितना रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि टिपिकली कोई भी जो इन्वेस्टर होता है वो स्टार्टअप में, टिपिकली जब भी स्टार्टअप में कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उसका जो आपका होराइजन होता है, उसका आपका मार्केट, वो इन्वेस्ट आपके ऊपर इसलिए करेगा ताकि आप उसको 10x या 20x आप उसको रिटर्न दे सकें। बिना 10x या 20x के रिटर्न के वो आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको आपको आपके बिजनेस वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको रिटर्न चाहिए। अगर आप रिटर्न नहीं दे पाते हैं तो वो कभी भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और ये जो थर्ड पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज द एग्जिट स्ट्रैटेजी दैट यू आर गिविंग, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर जो है वो आपके साथ चिपका नहीं, आपका वो अर्धांगिनी नहीं बनने वाला है। उसको एग्जिट आपको देना पड़ेगा कि आप 5 साल या 7 साल या 10 साल में आपको मैं एग्जिट दूंगा, और एग्जिट एज इन किस तरीके से एग्जिट दूंगा, मे बी मैं IPO करूंगा या मैं आपका जो आपको जो मैं स्टेक सेल कर रहा हूँ उसको मैं बाईबैक करूंगा, या कोई दूसरा इन्वेस्टर है वो आपका जो स्टेक है वो बाईबैक करेगा। नेक्स्ट हो जाता है, कैन योर कंपनी, कैन योर स्टार्टअप कॉम्प्लीमेंट देयर पोर्टफोलियो। मतलब ये हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ केयर स्टार्टअप में हो, ठीक है, आप हेल्थ केयर में हो और कोई आपने इन्वेस्टर को अप्रोच किया है जिसका बिजनेस भी आपके हेल्थ केयर में भी है, हेल्थ केयर में AI ML उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है, और आपका जो हेल्थ केयर है वो आपका लो कॉस्ट मेडिसिन या फार्मा ऐसा कुछ करता है, ठीक है, तो अगर आप इनको अप्रोच करते हैं, इस इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं तो वो आप पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि उसका जो पोर्टफोलियो है उसने शायद से अगर आपका 5-10 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो 5-10 कंपनी को अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं देन दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन,
बिकॉज कलेक्टिवली जो उसका पोर्टफोलियो है, जो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है, वो बेहतर बनता है, वो और भी वैल्यूएबल बनता है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी आपको तो पता चल गया होगा कि किस तरीके का इन्वेस्टर आपको चाहिए, पर अभी ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर की अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है? तो किस तरीके का इन्वेस्टर आपको चाहिए? इन्वेस्टर आपका इन्वेस्टर यहाँ पे ऐसा आप समझ पा रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग योर इन्वेस्टर, आपने अभी इन्वेस्टर को समझ लिया, अभी आपको किस तरीके का इन्वेस्टर चाहिए? क्या आपको एंजल इन्वेस्टर चाहिए, कि आपको वीसी चाहिए, कि आपको पीई चाहिए मतलब प्राइवेट इक्विटी चाहिए, या आपको सीड फंडिंग चाहिए? एंजल ये हर एक स्टेज में आते हैं। एंजल का मतलब कि जो इनिशियल स्टेज में आपका मतलब भगवान भरोसे आपको सपोर्ट करने आते हैं, आपके बिजनेस अभी भी शुरू नहीं हुआ है, मे बी आइडिया स्टेज में, तब वो आपको सपोर्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल जो है, जब आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, तब वो आते हैं। प्राइवेट इक्विटी लेटर स्टेज में आते हैं, और सीड फंडिंग भी एंजल के तरीके से ही होता है, तो वो आप में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप बिजनेस के कौन से जरिए, कौन से स्टेज में हो, उसी हिसाब से। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ग्रो करने वालों, अभी आपको पैसा चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो फिर आप वीसी के पास दो, एंजल के पास जाके फायदा नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मे बी इट इज गोइंग फाइन फॉर 5-6 ईयर्स, फिर आपको और भी एक्सपेंशन के लिए स्टेबल बिजनेस है, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो फिर आप प्राइवेट इक्विटी के पास जा सकते हैं। उसको कह सकते हैं कि मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है, मैं आपको पूरा जो फाइनेंशियल है मैं दिखा सकता हूँ, एंड आई नीड सम मनी टू स्केल अप द बिजनेस, और आई वॉन्ट टू सेल माई बिजनेस, सो प्राइवेट इक्विटी विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। सो यहाँ पे आपको किस तरीके का इन्वेस्टर चाहिए वो आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि आप किस बिजनेस स्टेज में हो, क्या आप आइडिया स्टेज में हो? आइडिया स्टेज में आपको एंजल ज्यादा पैसा देगा। आपका अगर प्रोटोटाइप स्टेज में हो, आपका बिजनेस जो भी आप सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट सर्विस अगर सेल कर रहे हो, तो आप वीसी के पास भी जा सकते हो, एंजल के पास भी जा सकते हो, आप सीड फंडिंग के लिए भी जा सकते हो। नेक्स्ट हो जाता है, अगर आपका फुल्ली फंक्शनल बिजनेस है, रनिंग बिजनेस है, चालू बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, फिर आप वीसी के पास जा सकते हैं, या आप प्राइवेट इक्विटी के पास जा सकते हैं। एंजल के पास जाके फायदा नहीं होगा, सीड के पास भी जाके फायदा नहीं होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ रनिंग बिजनेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अभी तो आपको अपने बिजनेस के बारे में पता चल गया किस तरीके का इन्वेस्टर चाहिए, आपको अपने बिजनेस के बारे में पता चल गया। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से कहाँ पे आपको इन्वेस्टर मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज है, लिंक्डइन में जाके आप सर्च कर सकते हैं, वीसी फंड होते हैं, बहुत सारे फंड मैनेजर्स होते हैं, उनको आप रीच आउट कर सकते हैं, उनको कॉल मेल कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। angel.co इसको भी यहाँ पे जाके भी आप रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया एक वेबसाइट है, बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फंडिंग जुगाड़ कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बाद में एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, या गूगल में जाके आप सर्च करें। अगर आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं तो हेल्थ केयर इन्वेस्टर्स, एडुकेशन में है तो एडुकेशन इन्वेस्टर्स, हर एक डोमेन का अलग अलग इन्वेस्टर होता है, तो वहां पे जाके आप इनको अप्रोच कर सकते हैं या इनके बारे में जान सकते हैं। तो किस तरीके से अप्रोच करें, तो सबसे पहले और हर एक वेबसाइट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके जो भी फॉर्म होता है वो फिल आउट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, उनको ईमेल कर सकते हैं, कॉल मेल कर सकते हैं उनको आप। पिचिंग इवेंट बहुत सारे, अभी तो कोरोना की वजह से बंद हो गया है, पर पहले भी कोरोना पिचिंग इवेंट्स होते थे, अभी ऑनलाइन पिचिंग इवेंट होता है, तो ऑनलाइन पिचिंग इवेंट के माध्यम से आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि मुझे मेरा बिजनेस ये है, मैं बिजनेस का इतना कैपिटल रेज कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप बिजनेस आइडिया या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर के सामने आप दिखा सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आप फंडिंग रेज कर पाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अगर आपका कोई भी चीज़ में अगर मिस आउट कर गया हो, कोई भी किसी भी तरीके से आपका कोई भी फीडबैक है, तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फर्दर अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।